Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. So guys, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हो चुका हूँ लाइक ऑलमोस्ट रेडी जिम निकलने के लिए. 7 बजे उठा था, ब्रश किया, फ्रेश हुआ और जो प्री वर्कआउट मील है वो ले लिया हूँ. सो चलते हैं अभी फटाफट जिम चलते हैं. आज है लेग्स एंड बाइसेप, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था पिछले वर्कआउट सेशन में कि मैं सिर्फ 2-3 सेशन के लिए लेग सेशन मिस करूंगा और सिर्फ बाइसेप पे ट्रेन करूंगा, बिकॉज लेग में थोड़ा सा मेरे को पेन है, हल्का सा राइट लेग में. तो चलते हैं फटाफट अपना बाइसेप वर्कआउट हिट करते हैं और उसके बाद फिर घर आके कल वाली ब्लॉग एडिट करनी है. अभी तक एडिट नहीं किया, अपलोड करना है. सो मिलता हूँ मैं आप लोग से. चलो फटाफट जिम में चल के वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. आ चुका हम लोग का पोस्ट वर्कआउट मील और यहाँ पे है स्वीट पोटैटो. चलता हूँ स्वीट पोटैटो खाता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा. नहाने के बाद अपना जो सेकेंड मील है ओट्स शेक या तो ओट मील वो बना के खाऊंगा. सो चलता हूँ अभी पहले ये मील फिनिश करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से सेकेंड मील के. सो गाइज, ये आ चुका है मेरा सेकेंड मील जो फिनिश करके मैं निकलूंगा अपने ऑफिस के लिए. और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11:30, एग्जैक्ट 11:30 बज रहे हैं. चलता हूँ अपनी ये मील फिनिश करके, मैं रेडी हूँ ऑलमोस्ट और सीधा निकलते हैं ऑफिस के लिए. इससे पहले मुझे जाना पड़ेगा जल्दी, आज निकलूंगा नॉर्मल टाइम से, बिकॉज मुझे जाना है पनवेल स्टेशन. और पनवेल स्टेशन जाके मुझे कल की ट्रेन टिकट का कंफर्मेशन करना है, टिकट का, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट है ऑनलाइन निकालने में. सो कल मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, सब आप लोग को कल के ब्लॉग में पता चलेगा. अभी से मैं नहीं बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ. तो उसी के जर्नी के लिए टिकट लेना था मुझे. तो चल के पनवेल में अगर मिलता है फिजिकली जाके तो ले लूँगा, अदरवाइज ऑनलाइन ही बुक करूँगा. सो चलता हूँ ये मिल फिनिश करके, फिर रेडी होकर तुरंत निकलता हूँ मैं पनवेल स्टेशन. सर गाइस, मैं आया था पनवेल स्टेशन चेक करो, और मैं कल वाली सूरत की ट्रेन की इंक्वायरी करने आया था. और अभी फ़िलहाल ये ट्रेन 12:49 की ट्रेन है यहाँ से, जो मैं नॉर्मली पकड़ता हूँ अडाला के लिए डेली, और ये बस निकलने ही वाली है. चलता हूँ फटाफट ये ट्रेन कैच करता हूँ. कल वाली ट्रेन की डिटेल्स तो मिली नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो टिकट मुझे ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा. बहुत भागा दौड़ी हो गई यार, पसीना चेक करो हाथ पे पूरा. चलता हूँ ये ट्रेन कैच करता हूँ यहाँ से और ऑफिस चल के मैं मिलता हूँ आप लोग से. सो गाइस चेक करो, ये आ चुका है हम लोग का लंच. सब लोग बैठे हैं, गर्मी में लाइट कटी है, भयंकर वाली गर्मी हो रही है. डोर ओपन करके बैठे हैं बालकनी का यहाँ पे. सो चलता हूँ फटाफट लंच फिनिश करता हूँ और तुरंत चलता हूँ नीचे मैं यहाँ से गाइस. एक नंबर है, एक नंबर, एक नंबर है.
यार गाइस, रात के बज रहे हैं 12:30 और आज थोड़ा लेट हो गया है घर पे आने में, बिकॉज इसके पीछे की लंबी कहानी है। एक किस्सा हो गया था हम लोग का स्टोर बंद करने के बाद। मैं वो कहानी आप लोग को आराम से फुर्सत में खाना खाने के बाद बताऊंगा, बिकॉज खाना भी गर्मा गर्म आया। सो वो फिनिश करता हूँ, वो एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे आ चुका है पनीर फ्राइड राइस और उसके साथ है नींबू पानी एकदम ठंडा चिल्ड बर्फ में। सो चलता हूँ फटाफट, अपना ये मील फिनिश करता हूँ, उसके बाद वो कहानी सुनाता हूँ आप लोग की क्या कहानी। सर गाइस, काफ़ी लेट हो चुका है, रात के बज रहे हैं 1:30, चेक करो 1:30 बजने वाला है, 1:15 हो रहा है। सो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी मुझे हालांकि फेस स्क्रब करना है, फेस वॉश से अच्छे से फेस वॉश करके एलोवेरा जेल लगा के फिर सोऊंगा। अब लोग कुछ सोचेंगे कि ये क्या फालतूगिरी लड़कियों जैसा ट्रीटमेंट है, बट मैं अपने स्किन का, अपने बॉडी का, अपने हेयर का, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देता हूँ। सो चलता हूँ, अभी ये सब काम ख़त्म करता हूँ। बाकी वो जो किस्सा था वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्चुअली एक टीम का हमारा कलीग है, हम लोग का मेम्बर है, उसने प्लान किया कि कुर्ला चोर बाज़ार जाएंगे, बिकॉज उसका बहुत मन कर रहा था, कभी गया नहीं है। सो उसने प्लान बनाया। सो कुछ लोग जो गोवंडी कुर्ला साइड रहते हैं उन लोग सब रेडी है, बिकॉज उनका घर वहीं है। मैं था पनवेल से, मैं पहले ही मना कर दिया था, बिकॉज ये सब चीज़ों को लेके, रात में घूमने को लेके मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट हैं। सो मैं फोर्स भी नहीं करता ये सब चीज़ ऐसी सब जगहों पे जाने के लिए। सो मैंने पहले ही बोल दिया था आई एम आउट ऑफ दिस प्लान। और एक हमारे मैनेजर थे जो बेलापुर में रहते हैं, तो सब लोग ने बेचारे को उसको हाँ हाँ बोला। वो हालांकि पूमा जो स्टोर है हम लोग का वाशी, उसके पास ही रहता है, उसका घर 5 मिनट वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो सब लोग ने हाँ बोला, ठीक है जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और वो बेचारा एकदम खुशी खुशी जोश में हम लोग के साथ रिक्शे में सानपाड़ा स्टेशन आया। और सानपाड़ा स्टेशन जब आया, रिक्शे से उतरा, तो सब लोग ने उसको लास्ट मोमेंट, सब लोग ने नहीं, मैनेजर ने उसको लास्ट मोमेंट कल्टी दे दी। मैनेजर ने बोला नहीं तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। और उसका ऐसा था कि भाई जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सो क्योंकि बाकी लोग चेंबूर गोवंडी के साइड थे तो उन लोग तो रेडी थे तभी भी, लेकिन वो मैनेजर ने मना किया करके उसका भी मूड ऑफ हुआ, वो बेचारा वहाँ से रिक्शा लेके चला गया अपने घर पे। सो मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए, क्योंकि ऐसा उसने वहाँ से रिक्शा लेके वो आया था सानपाड़ा स्टेशन की जाएंगे, इतना खुश था, बोला था रात भर वहीं पे कुर्ला में खाएंगे होटल में बाहर, कुछ 4 बजे जो कुर्ला का चोर बाज़ार है वो 4 बजे ओपन होता है, 3:30-4 बजे के करीब। सो वो घूमेंगे, फिर सुबह की ट्रेन से जो भी रहेगी 6-7 बजे की घर आके नॉर्मल अपना सेकेंड शिफ्ट में जॉब ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बेचारे का प्लान घूम गया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको, बहुत बुरा लगा उसके लिए, उसका मूड ऑफ हो गया पूरा। बट खैर क्या करें, अब मैं भी उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। सो उस वजह से ये सब चक्कर में बहुत लेट हो गया, इसलिए घर पे आने में लेट हुआ, खाने में लेट हुआ, और अभी 1:30 बज रहे हैं, सोया भी नहीं हूँ मैं। सो बस यही थी छोटी सी कहानी, छोटी सी हंसी मजाक हम लोग के एक स्टोर की। सो चलता हूँ, अभी मैं सोता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल के ब्लॉग में। और कल एक हम लोग की न्यू जर्नी, कहीं हम जा रहे हैं ट्रिप पे, सो कल बताऊंगा आप लोग को कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मिलूंगा आप लोग से कल के ब्लॉग में। आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।